हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर एवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के लिए जो रिक्रूटमेंट निकली है इस स्पोर्ट्स कोटा की, तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, एज लिमिट क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, स्केल पे क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको वीडियो में फुल डिटेल्स बताएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है। नेम एंड एड्रेस दिया गया है ऑफ नोडल ऑफिस का, एंड स्टेट ऑफ वैकेंसी जो कि स्टेशन ऑफ वैकेंसी की, स्टेशन ऑफ वैकेंसी का मतलब कि किस स्टेट में कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो नेम ऑफ़ द गेम एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे दिया गया है कि जिस भी स्टेट में जो ऑफिस है वहाँ पे अगर आपको ये स्पोर्ट्स कोटा की रिक्रूटमेंट के लिए आपको जॉब लेनी है तो वहाँ पे आपको इस स्पोर्ट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर उसके आगे दिया गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसी ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की, एंड जो दूसरा है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी ऑफ क्लर्क की। तो यहाँ पे दो पोस्ट है केवल, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की, एंड दूसरी जो है वो है क्लर्क की। तो यहाँ पे जो टोटल दिया हुआ है, टोटल 25 ऑफिस दिए हुए हैं और स्टेट वाइज दिए हुए हैं। तो टोटल जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी है यहाँ पे नियर अबाउट 100 हैं, तो 100 के करीब यहाँ पे टोटल वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे फुल डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन से गेम में कौन सा कैंडिडेट चाहिए और कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो अब सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि 25 यहाँ पे ऑफिस दिए हुए हैं, कैटेगरी के दिए हुए हैं हर एक स्टेट के, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके लॉगिन कर, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप फुल डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दो है, दो चीज़ें मांगी गई हैं। या तो आप स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और द कंट्री। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो अपने स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में एज अ सीनियर जूनियर कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया हो वो भी एलिजिबल है इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड AIU मतलब यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी उसने खेला हो मिनिमम एक, वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। स्किल पे की बात कर ले तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केवल दो ही पोस्ट हैं, ऑडिटर अकाउंटेंट एंड क्लर्क DEO। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की जो पे स्केल है वो है लेवल 5। तो जो मिलेगी आपको वो है 5,200 से 20,200 के बीच में। ग्रेड पे जो है वो 2,800 है। सेकंड जो है क्लर्क की, वो उसका अगर पे लेवल की बात कर लें तो वो है 5,200 से 20,200। यहाँ पे जो ग्रेड पे आपका रहेगा वो 1,900 रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। और जो दूसरी जो पोस्ट है क्लर्क DEO, उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल वो चाहिए आपकी 12th। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नोटिस भी दिया हुआ है। द पर्सन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जो पर्सन सेलेक्टेड होंगे क्लर्क के लिए उन्हें विल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो जो पोस्ट, जो क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे वो अगर सिलेक्टेड होते हैं तो उन्हें टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के बाद। और जो दूसरा अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए जो पोस्ट का फॉर्म भरेंगे उन्हें डिपार्टमेंटल कन्फर्मेटरी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों में फेल पाए जाते हैं, अगर या फेलियर होते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सर्विस से। एज की बात करें तो एज यहाँ पे दोनों के लिए सेम है, दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस होगा वो आपका दो तरीक़ों से होगा, एक फिटनेस टेस्ट आप और दूसरा स्किल टेस्ट। तो फिटनेस टेस्ट होगा वो यहाँ पे एनेक्सर 7 में, इन्होंने बताया कि एनेक्सर 7 में इन्होंने दिया हुआ है कि फिटनेस टेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट हैं और किस बेसिस पे लिए जाएंगे। और अगर आप फिटनेस टेस्ट में मिनिमम 40 मार्क्स नहीं लाते हैं, अगर लेस देन आपका 40 मार्क्स होगा, 40% मार्क्स, तो आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। मतलब आपको स्किल टेस्ट देने से पहले जो फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं। सेकंड आपका जो लिया जाएगा वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट भी इन्होंने एनेक्सर 7 में बता रखा है कि कैसे स्किल टेस्ट के मार्क्स दिए जाएंगे, बट यहाँ पे जो है एनेक्सर मुझे मिला नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढा,
तो आप वेबसाइट पे जाके एनएक्सर एक बार ढूंढ लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने सारी डिटेल्स आपको इस स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट जो निकली है उसके बारे में मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।